हर टीवी में हूँ आपके साथ सुरेखा थापल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आदर्श आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन के मामले में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। आम आदमी पार्टी को मिला लोकगायक रजनीकांत सेवाल का समर्थन, अजय कोठियाल ने बीजेपी कांग्रेस को बताया भांगस। रुद्रपुर में प्रतिबंधित पशुओं का वध कर शहर का माहौल खराब करने वाली घटना का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 3 अभियुक्त गिरफ्तार, 2 फरार। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी करनी होगी साझा। उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने किया संकल्प पत्र जारी, 7 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 10 तवंचे 22 कारतूस के साथ एक महिला समेत 3 व्यक्ति उधम सिंह नगर पुलिस की गिरफ्त। स्वामी राज राजेश्वर आश्रम महाराज को इस्लामी तालिबान ने भेजा धमकी भरा पत्र, खुफिया विभाग सक्रिय। एनडीटीवी के रेजिडेंट एडिटर कमाल खान की मौत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। घने कोहरे का देहरादून हवाई अड्डे पर दिखा असर, सुबह की हवाई सेवा हुई बुरी तरह से प्रभावित। भाजपा से निष्कासित लालकुआ में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव निर्दलीय लड़ने वाले डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट की बिना शर्त वापसी, सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कराया ज्वाइन। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु राज राजेश्वर आश्रम को तालिबान ने आतंकी पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। स्वामी राज राजेश्वर आश्रम संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ संत हैं, उनको तालिबान से मिली धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कनखल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस पर जगत गुरु राज राजेश्वर आश्रम का कहना है कि संतों का जीवन राष्ट्र को समर्पित है, इस तरह की धमकियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पहले भी 2008 में इस तरह के धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं। मसूरी में पूर्व कांग्रेस के मसूरी शहर अध्यक्ष सतीश ढूंढियाल, पूर्व महिला मोर्चा के मसूरी अध्यक्ष गीता कुमाई और सभासद जसोदा शर्मा के साथ सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शाहिद मंसूर के नेतृत्व में कई दर्जन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीर सिंह चौहान के नेतृत्व में सभी लोगों को फूल माला पहनाकर भाजपा की मुझे बड़ी ये रही कि देश में आज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वो जनता और के द्वारा जो समय दिखा दिया जा रहा है वो है, और उसी तरह प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में और माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के नेतृत्व में जो क्षेत्र का विकास हुआ है और क्षेत्र के विकास की जो गंगा बही है वो अपने आप में एक जो है इसका कारण बनती है। चाहे वो किसी भी तरह का कारण देखो, आप पार्किंग की समस्या का समाधान हुआ, पेयजल की 154 करोड़ रुपए की योजना मसूरी में आई, आने वाले 30 से 40 वर्षों तक पेयजल की उम्मीद है कि जरूरत इससे मांग पूर्ति हो जाएगी, और टाउन हॉल का उद्घाटन देख लो, चारों तरफ सड़कों का जाल देख लो, स्वास्थ्य सेवाएं देखो, जहां कभी मसूरी में एक सिलेंडर किसी को नहीं मिल पाता था आज ऑक्सीजन बैंक का गठन कर दिया गया है, और एक छत के नीचे सिविल हॉस्पिटल में 20-20 डॉक्टर बैठाए गए हैं। आप जाएं और मसूरी सबसे बड़ी बात है कि मसूरी के सराउंडिंग में जितने 20-25-30 गाँव हैं उन सब की नज़र मसूरी पर रहती है। जब गरीब जनता यहाँ आती है तो उसे चारों तरफ जो है इलाज के लिए चारों तरफ डॉक्टर मिल जाते हैं, हॉस्पिटल मिल जाते हैं। ये सब चीज़ों को देखकर, इन कामों को देखकर, अब विशेष रूप से जो कोरोना का 2 साल का कार्य माननीय गणेश जोशी के द्वारा किया गया, चाहे वो राशन बांटने का काम रहा हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटने का काम रहा हो, चाहे किसी भी दुख और दर्द में खड़े होने का काम जो उन्होंने जनता के सामने दिया, उससे दिल ओतप्रोत हुआ। और हम चाहते हैं कि ऐसे विधायक को पिछली बार से दुगनी तादाद से और पिछले बार संसद 10 गुना मार्जिन से उन्हें जिताकर विधानसभा भेजें, ताकि क्षेत्र में जो रुकी हुई योजनाएं हैं उनका लाभ अधिक से अधिक जनता को और मिल सके। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मुस्लिम समाज के बीच में एक भ्रम फैलाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुस्लिम विरोधी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल स्तर पे हमारी जो मंडल की टीम काम कर रही है, उसके बाद हमारे माननीय मंत्री जी विधायक जी का जो एक प्रयास रहा है, तो अल्पसंख्यकों के बीच में पार्टी की एक नई सोच उभर कर आई है। जब जब मेरे समाज में किसी को भी ज़रूरतमंद को कोई भी काम की आवश्यकता पड़ी है, चाहे वो मंडल स्तर हो या हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से हो, तो वो काम सारे के सारे हुए हैं। और ये बोलते हैं कि एक क्षेत्र का युवा हो या प्रदेश का युवा हो, कोई भी संगठन को गठन करने में बहुत बड़ा
एक सोच रखता है, कोई भी सरकार बनाने में एक बहुत बड़ी सोच रखता है। तो मैं नहीं समझता कि युवाओं से ज़्यादा सक्षम सोच किसी और की होती हो। आज मेरे साथ बहुत बड़े टपके के साथ एक युवा साथी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की उन्होंने सोच रखी है और भाजपा की नीति से प्रभावित होकर सबने निर्णय लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और पार्टी की सरकार बनाने में जो भी हमसे बन पड़ेगा उतना योगदान। देखिए, भाजपा कोई विकल्प नहीं बल्कि संकल्प है। जैसा कि मैंने बताया कि भाजपा ने लीग से हटके काम किए हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 35A हो, चाहे वो हमारे सैनिकों के लिए हो, तो भाजपा जो है वो लीग से हटके कार्य कर रही है। यही कारण है कि हमने भाजपा ज्वाइन की है। और अगर हम अपने क्षेत्रीय क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में भी माननीय मंत्री जी के माध्यम से बहुत ही विकास कार्य हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू नहीं हो रही, तो थोड़ा समय लगता है। बिल्डिंग बन गई है, फिजिशियन आ गया, अब गायनेकोलॉजिस्ट भी आ गई है, तो पहले से सुधार हो रहा है चीज़ों में। लॉकडाउन में जब जनता को, आम जनमानस को जरूरत थी, तो भाजपा सरकार द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा लोगों को सहयोग किया गया, जन जन तक वो पहुँचे। तो यही कारण है। भाजपा की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड से लोग लाभ ले रहे हैं, इसी के साथ साथ पहल योजना, सब्सिडी उनके गैस कनेक्शन से कि जो है उनके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाती है। पेंशन पहले एक परिवार में एक ही व्यक्ति की लगती थी, अब दोनों की लग सकती है वृद्धा पेंशन, पेंशन में बढ़ोतरी हुई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम जनमानस के लिए लाभकारी हैं। हमें सिर्फ जनता को बताना है और भाजपा को भारी मतों से जिताना है। पिछले चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले बागियों की भाजपा में वापसी शुरू हो गई है। लालकुआ में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव निर्दलीय लड़ने वाले डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को भाजपा ने वापस ज्वाइन करा लिया है। इसे लेकर अब तमाम दावेदारों में बेचैनी बढ़ गई है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, नरेश बंसल, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार आदि मौजूद रहे। वहीं बिष्ट की वापसी से लालकुआ क्षेत्र से भाजपा के दावेदारों की बेचैनी बढ़ गई है। पर्यवेक्षक और राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल के मुताबिक बिष्ट की भाजपा में वापसी बिना किसी शर्त के हुई है। रुद्रपुर में प्रतिबंध पशुओं का वध कर शहर का माहौल खराब करने वाली घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए यूपी रामपुर क्षेत्र के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी ने रामपुर में आत्मसमर्पण कर दिया है। गिरफ्तार सभी आरोपितों के खिलाफ रामपुर के विभिन्न थानों में दर्जनों केस दर्ज है। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है। 10 तारीख को जो घटना घटी थी ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें जैसे पहले आपको मैंने बताया था, इसमें 4 अभियुक्त इन्वॉल्व थे। उन चारों में से एक अयूब हकला, उसकी अरेस्टिंग हो गई है। उसके साथ रामपुर में जो मीट बेचने में 2 अन्य सहयोगी थे, अफसर अली और शौलत अली, इन दोनों की अरेस्टिंग कर ली है। तो इस प्रकार से 3 लोगों की अरेस्टिंग आज हुई है। 3 जो अन्य इसमें उस दिन घटना में संलिप्त थे, उसमें से दानिश एक कल घटना के बाद से ही हमारी टीमें रामपुर और मुरादाबाद लगातार दबिशें दे रही थी। तो एक दानिश नाम का जो दूसरा अभियुक्त उसमें था, ये कल कोर्ट में सरेंडर हो गया। हमारी टीम भी गई थी और कचहरी में जाने से पहले हमारी टीम ने उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया था, लेकिन कचहरी में काफ़ी वकील आ गए थे, उनका वकील भी था, तो कचहरी में जाने के कारण उसकी अरेस्ट नहीं हो पाई थी। तो वो वहाँ कोर्ट में सरेंडर हो गया था। बाकी उसको तुरंत जो है कल परसों तक हम लोग वारंट पेपर ला करके जुडिशियल रिमांड पर लेंगे। बाकी जो अन्य दो उसके जो मुलजिम हैं, उस्मान और नईम, उस्मान वहाँ का HS है, नईम भी रामपुर का रहने वाला है। इन चारों मुलजिमों का बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये उस्मान इस पूरी ऑपरेशन का सरगना था और ये चारों लोग प्रोफेशनल मांस काट करके बेचने वाले हैं, चाहे वो गौवंशी का हो या किसी अन्य जानवर का हो, तो प्रोफेशनल हैं। और अब तक जो हमारी जांचें हमने की है उसके आधार पर इन चारों की संलिप्तता है। इसके अलग अलग जो अन्य आयाम हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और जब अन्य 3 जो अभियुक्त हैं मेन अभियुक्त वो पुलिस के पास आ जाएंगे, हम उनको अपनी हिरासत में लेंगे। पूछताछ के बाद कुछ चीज़ें जो भी सामने आएंगी उसके बारे में पूछा जाएगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि इसमें स्थानीय लेवल पर या किसी अन्य लेवल पर कोई अन्य संलिप्तता नहीं है। रामनगर कांग्रेस से 3 दावेदारों ने विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी वापस लेते हुए तीनों ने एक स्वर में हरीश रावत को विधानसभा चुनाव रामनगर क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर हाईकमान को पत्र भेजा है। वहीं इसी क्षेत्र से मजबूत दावेदारी रंजीत सिंह रावत को माना जा रहा है। जहां कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी दिखाई देती है, वहीं हरीश रावत को लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट दिखाई देते हैं। जो डीडीहाट में एक प्रस्ताव सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत के पक्ष में चुनाव लड़ने को दिया, उसी तर्ज पर रामनगर विधानसभा में भी
ये चीज दिखाई दे रही है। उसी की तर्ज पर रामनगर से हरीश रावत को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर 3 दावेदारों ने अपने नाम वापस किए हैं और उनको समर्थन दिया है। हरीश रावत जी हमारे हाईकमान हैं, जब उन्होंने रामनगर से लड़ना है तो दूसरे का तो जिक्र ही नहीं आना है, फिर दूसरा और तीसरा और चौथा तो कहने का सवाल ही नहीं है। हरीश रावत जी सर्वमान्य नेता हैं और वो लड़ेंगे, हम सब उनके साथ हैं। नहीं लड़ेंगे तो वो परिस्थिति बताएगी। परिस्थिति में जो भाई 2022 में कांग्रेस को लाना है उत्तराखंड में, तो जो कैंडिडेट होगा कांग्रेस के सारे लोग उसके संग लगेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने विकल्प के तौर पर 2 सीटें इस प्रदेश में अपने लिए जो है होल्ड करा रखी हैं, जिसमें से एक रामनगर और एक डीडीहाट है, जिसका आज हमने प्रस्ताव बनाकर हम तीनों दावेदारों ने एक राय होकर ये कहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यदि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम तीनों अपना जो है जो हमारी दावेदारी है हम उस दावेदारी को वापस लेते हैं। यदि 4 दावेदार थे, तीनों एक राय होकर हरीश रावत जी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं और चौथे जो यहाँ पर दावेदार हैं मुख्य रूप से हरीश रावत जी, उनसे भी बात करेंगे, उन्हें भी अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। यदि हरीश रावत जी चुनाव किसी स्थिति में नहीं लड़ते हैं और उनको अगर टिकट मिलता है तो सारे लोग उनके साथ जो है कांग्रेस को चुनाव लड़ेंगे। कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल का डॉक्टरों के साथ निरीक्षण किया। उस दौरान उन्होंने सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमओ से भी बात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में ओमिक्रॉन की लहर तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए पूरे राज्य में एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। सभी कोविड-19 को लेकर सभी अस्पतालों में सारी सुविधाओं से दुरुस्त कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे अलर्ट के मोड पर है। प्रकार से यहाँ पर जो हमारे बेड इत्यादि हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, जो हमारे आईसीयू है वेंटिलेटर हैं वो सही प्रकार से चल रहे हैं कि नहीं, और किसी प्रकार की कोई आवश्यकता तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। और अभी हमारे यहाँ पर 80% लगभग जो है बेड खाली हैं, 20% ऑक्यूपाइड हैं, वो भी जो कोरोना के मरीज़ हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है कि किसी को कोई परेशानी न हो, जान माल की सुरक्षा बनी रहे। और साथ में कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जगह की समीक्षा की है, सभी जगह की जानकारी ली है, उसी क्रम में मैं भी आज यहाँ आया हूँ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जनपद उधम सिंह नगर से लगती हुई अन्य जनपद और राज्य के विभिन्न सीमाओं पर बैरियर स्थापित कर निर्वाचन पर प्रभाव डालने वाले पदार्थों, अवैध मादक पदार्थों और अवैध असलाह के संबंध में गहनता से चेकिंग करने के लिए आदेशित किया गया था। आदेश का पालन कर थानाध्यक्ष पुलभट्टा के नेतृत्व में थाना पुलभट्टा से लगती हुई जनपद बरेली की सीमाओं के विभिन्न रास्तों पर बैरियर स्थापित कर अलग अलग टीमों द्वारा अवैध मादक पदार्थों और अवैध असलाहों की बरामदगी के लिए गहनता चेकिंग अभियान चलाए जाने के दौरान सीएमओ में कार्रवाई करते हुए एक कार को पुलिस टीम द्वारा बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया गया। कार में 3 लोग सवार थे, जिनकी तलाशी में कुल 10 तमंचे और 22 कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने अभियुक्त गणों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत किया है। तो हमारे पुलिस ने 10 तमंचे जिसमें 3 हैं 12 बोर के और 7 हैं 315 बोर के, 22 कार्टेजेज हैं जिसमें 14 हैं आपके 12 बोर के और 8 हैं 315 बोर के। इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें एक महिला है, 2 पुरुष हैं। महिला गीता देवी है, उसका पति राकेश कुमार है और इनका जो एक गाड़ी भी बरामद हुई है, इको कार है, और इस इको कार का जो ड्राइवर है मतलूब खान वो भी अरेस्ट हुआ है। जिस प्रकार से 3 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं और इस पिछले साल अभी तक की जो सबसे बड़ा अभी तक खेप इस उधम सिंह नगर में बरामद हुई है। पूरी टीम को 25,000 का मेरे तरफ से इनाम है और ये अच्छा काम हुआ है। सर, ये चुनाव की दृष्टि से उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्र कार्यालय नई टिहरी में केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने की अध्यक्षता में उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने अपना 27 सूत्रीय चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही उचपा ने अपनी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। संकल्प पत्र में मुख्यतः मूल निवास को प्राथमिकता, चयन समिति का गठन, रोजगार सृजन, प्रभावी भू कानून, टिहरी बांध के ऊपर 24 घंटे वाहन आवागमन, जंगली जानवरों से लोगों और खेती की सुरक्षा आदि मुद्दे शामिल है। देखिये, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने संपूर्ण प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हमारा घोषणा पत्र
हमने प्रस्तुत किया। जनता के लिए हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे संकल्प पत्र में है और हम प्रयास करेंगे कि संकल्प पत्र को पूरी शक्ति के साथ इस पर काम करेंगे। यही हमारा आज का जो एजेंडा था। वो देखिए, अभी हमने कुल हमारे 5 प्रत्याशी घोषित हुए और हम प्रयास करेंगे कि हम प्रत्याशी भले कम उतारे लेकिन नेक इरादे वाले और मजबूत और जो उत्तराखंड के लिए काम करने वाले लोग हैं और जो उत्तराखंड के विकास के साथ कोई समझौता न करने वाले लोगों से हम प्रत्याशी होंगे हमारे। देखिए, आज हमने कर्णप्रयाग सीट पे डॉक्टर मुकेश पंत जी को हमने प्रत्याशी बनाया और पौड़ी से ओंकार सिंह जी को प्रत्याशी बनाया और धनोल्टी से जय नारायण बोगड़े जी हैं हमारे पूजा के प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव 2022 में पिथौरागढ़ जिले में महिलाएं निर्णायक भूमिका में होंगी। यहां 4 में से 3 विधानसभाओं में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। ऐसे में जीत का सहरा उसी के सर सजेगा जो महिला मतदाताओं को रिझाने में कामयाब होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि पिथौरागढ़ की 3 विधानसभाओं में महिला वोटर ही प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। बता दें कि जिले की पिथौरागढ़, डीडीहाट और धारचूला विधानसभा में हार जीत का फैसला महिला वोटर्स के हाथों में रहेगा। इन 3 विधानसभाओं में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या अधिक है। पिथौरागढ़ विधानसभा में कुल 109,171 मतदाता है जिसे पुरुषों की संख्या 54,068 है तो वहीं महिला वोटर्स की तादाद 55,103 है। इसी तरह धारचूला विधानसभा में कुल मतदाता 87,481 है, इनमें पुरुषों की संख्या 43,581 है तो महिलाओं की संख्या 43,900 है। प्रसिद्ध लोक गायक और गंगोत्री धाम के तेज पुरोहित और लोक गायक रजनीकांत सेमवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री विधानसभा सीट से अपना समर्थन दिया है। वहीं इस दौरान अजय कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दोनों पार्टियों के एक नाम भांगरेस दिया है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। बेखौफ उम्मीद का रंग आस्था भी, ये है मेरा उत्तराखंड।